उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला ने कहर बरपाया हुआ है। आलम यह है कि इजरायली सेना लेबनानी बॉर्डर से काफी पीछे भाग खड़ी हुई है और वो यहीं से हिजबुल्ला के हमलों का सामना कर रही है, लेकिन हिजबुल्ला के ड्रोन और रॉकेट हमले आईडीएफ के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, क्योंकि जहां जहां इजरायली सेना गुपचुप तरीके से अपनी सैन्य चौकी बनाती है वहां वहां ये ड्रोन उसके पीछे चले आते हैं। और इसका जीता जागता सबूत हिजबुल्ला का ये वीडियो दे रहा है, जिसमें हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के शामीर सेटलमेंट में तबाही मचा कर रखी है। दरअसल हिजबुल्ला का कहना है कि उसने उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में बने शामीर सेटलमेंट पर एक बहुत बड़ा रॉकेट अटैक किया है। हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इस सेटलमेंट पर कत्यूशा रॉकेट्स की झड़ी लगा दी। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस हमले के बाद ज़ावरा में इजरायली पोजीशंस पर एक और रॉकेट हमला किया था, जिसमें आईडीएफ को तगड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही कब्जे वाले लेबनान में मर्ज और रुशत अल आलम पर भी हिजबुल्ला ने जमकर गोला बारूद बरसाया है। हिजबुल्ला के मुताबिक उसके ये दोनों हमले एकदम सटीक रहे हैं और इस हमले के अलावा मायान बारूद साइट पर भी हिजबुल्ला के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ तरीके से गोले बरसाए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि मलिकिया में इजरायली सैनिकों ने पोजीशंस ले रखी थी और यहां पर भी एक रॉकेट हमला किया गया है जो सीधा आईडीएफ के जवानों पर हुआ है। और इन हमलों से पहले हिजबुल्ला ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के बॉर्डर के पास आईडीएफ की खिरबतमार सैन्य चौकी पर भी कामिकेज ड्रोन्स का पूरा जत्था फायर किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसका ये ड्रोन हमला इजरायली अधिकारी और सैनिकों की पोजीशंस पर हुआ था, जो एकदम सटीक रहा। वहीं किरियत शमोना में तो हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों की वजह से भीषण आग लग गई। इजरायली मीडिया ने भी इस घटना की खबर दी है। इजरायली मीडिया का कहना है कि ये आग शामीर सेटलमेंट के अपर गलीली के करीब हुई है और ये पूरा इलाका कब्जे वाले सीरियन गोलन हाइट्स में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला की तरफ से जब ये हमला हुआ तो उस वक्त इलाके में हवाई हमले का कोई सायरन तक नहीं बजा था। हालांकि इन हमलों के बीच इजरायली एयरफोर्स ने भी दक्षिणी लेबनान के कफार किला, नकोरा और खियाम कस्बों पर हवाई हमले किए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि आईडीएफ ने आयता अल शाब के बाहरी इलाकों में भी एयर स्ट्राइक की है और यारून में इसराइल ने एक ड्रोन अटैक किया है। हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान के मार्जन कस्बे में भारी नागरिक नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला के मुताबिक आईडीएफ के हमले में यहाँ पर कई नागरिक घायल भी हुए हैं।